दोस्तों देश में क्रिकेट का त्योहार कहा जाने वाला आईपीएल चल रहा है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी इसके मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। क्रिकेट को लेकर लोगों के खुमार और मुकाबले को देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़ देखते हुए डीएमआरसी ने बड़ा फैसला किया है। जी हां, डीएमआरसी ने मेट्रो का उपयोग करने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल टी20 मैच देखने के लिए दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अपनी आखिरी ट्रेन का समय बढ़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अरुण जेटली स्टेडियम वॉयलेट लाइन पर दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के नजदीक है। ट्रैफिक को देखते हुए मैच देखने के जाने वाले लोगों के लिए मेट्रो पहली प्राथमिकता बन रही है। यू मेट्रो स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने सभी लाइनों को सिर्फ एयरपोर्ट लाइन को छोड़कर अपनी अंतिम ट्रेन के समय में लगभग 30 से 45 मिनट का विस्तार करेगी। डीएमआरसी के मुताबिक 4, 11, 20, 29 अप्रैल के अलावा 6, 13, 20 मई को एयरपोर्ट लाइन को छोड़कर सभी अन्य लाइनों पर मेट्रो का परिचालन 30 से 45 मिनट तक बढ़ाया जाएगा। मैच वाले दिनों में दर्शक राजीव चौक, मंडी हाउस, कश्मीरी गेट, कीर्ति नगर, इंद्रलोक और लाजपत नगर के इंटरचेंज स्टेशनों से सभी दिशाओं में कनेक्टिंग सेवाएं मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त टोकन वेंडिंग मशीन, प्री वेंडेड और टोकन काउंटर कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। इन स्टेशनों से कितने बजे मिलेगी अंतिम ट्रेन? दोस्तों मैच वाले दिन गाजियाबाद न्यू बस अड्डा से अंतिम ट्रेन 11:50 और इठाला से रात 12 बजे मिलेगी। वहीं सनकपुर बादली से अंतिम ट्रेन रात 11:50 और हुड्डा सिटी सेंटर से 11:20 पर मिलेगी आपको। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अंतिम ट्रेन रात 11:25 और वैशाली से 11:30 पर। द्वारका से नोएडा के लिए रात 11:10 और द्वारका से वैशाली के लिए अंतिम ट्रेन रात 11:20 पर मिलेगी। वहीं कृति नगर से रात 12:30 से लेकर इंद्रलोक से 12:20 पर अंतिम ट्रेन मिलेगी। कश्मीरी गेट से बदरपुर के लिए अंतिम ट्रेन रात 12:00 और मजलिस पार्क से अंतिम ट्रेन 11:40 पर। शिव विहार से अंतिम ट्रेन रात 11:40 पर मिलेगी। जनकपुरी वेस्ट से अंतिम ट्रेन रात 12:40 पर मिलेगी। बोटानिकल गार्डन से अंतिम ट्रेन रात 12:30 और द्वारका से रात 1:00 तक अंतिम ट्रेन मिलेगी और ढांसा बस स्टैंड से 12:45 पर अंतिम ट्रेन मिलेगी। दोस्तों कुल मिलाकर 12 जगहों पर आईपीएल मैच होने हैं। इनमें मोहाली, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी और धर्मशाला शामिल है और प्रत्येक आईपीएल टीम कुल 14 मैच खेलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।